नम भूमि के संरक्षण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी साइट रामसर साइट ने आसन रिजर्व कंजर्वेशन वेटलैंड क्षेत्र को मान्यता दे दी है। रामसर साइट पर आसन बैराज रिजर्व कंजर्वेशन को मान्यता मिलने से अब आसन वेटलैंड जहां पूरी दुनिया के मानचित्र पर दिखेगा, वहीं देश दुनिया के लोगों को आसन कंजर्वेशन की जानकारी भी आसानी से मिल सकेगी। डीएफओ चक्राता डीसी आर्य का कहना है कि मान्यता मिलने से आसन कंजर्वेशन रिजर्व को सुरक्षा मिलेगी और इसके संरक्षण के लिए फंडिंग भी उपलब्ध होगी। ये आसन कंजर्वेशन रिजर्व 2005 में ये बना था और वर्तमान में जो है इसका स्टेटस जो है रामसर साइट में इसको सम्मिलित कर दिया गया है। रामसर जो है एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है वेटलैंड के ऊपर, जो वर्ल्ड की वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस होती है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड होती है, उनको जो है चिन्हित करता है और अपनी लिस्ट में शामिल करता है। उसके टोटल 9 क्राइटेरिया हैं, तो हमने जो है इसको उसके जो है 5 क्राइटेरिया को पूरा करता है। यहाँ पर जो है कुछ रेयर स्पीसीज की बर्ड्स पाई जाती हैं और जो बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है, कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जिनका जो है थ्रेशहोल्ड जो है 500,000 का है वर्ल्ड का, तो उससे ज़्यादा की पॉपुलेशन यहाँ पर पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी वैल्यू आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हर तरीके का जो है वेजिटेशन भी है, पानी है और आपका एक्वेटिक सिस्टम पूरा है, तो बायोडाइवर्सिटी वैल्यू इस क्षेत्र की बहुत अच्छी है। डीएफओ डीसी आर्य ने बताया कि बैराज में हर साल सर्दी के मौसम में देश विदेश के करीब 5 से 10 हजार पक्षी डेरा डालते हैं। साथ ही साइबेरियन देशों से पक्षियों का पहला ग्रुप इस महीने की 7 तारीख को आ चुका है। ये पक्षी मार्च 2021 तक यानी 5 से 6 महीनों के प्रवास पर आते हैं और जो साइबेरिया के सेंट्रल एशिया से और जो साइबेरिया के इलाकों से जो ठंडे प्रदेश हैं वो जो है विंटर माइग्रेशन पर जो है यहाँ पर आते हैं। लगभग जो है 5 से 6 महीने के प्रवास में यहाँ पर रहते हैं। जो पहला बर्ड्स का जो ग्रुप है वो जो है 7 से 8 तारीख के, मतलब लास्ट ईयर 8 तारीख को आया था, इस बार 7 तारीख को आया है पहला ग्रुप जो है अक्टूबर में इसी महीने, और जो है ये मार्च के 20 मार्च तक जो है रहते हैं यहाँ पे, तो एक इम्पॉर्टेंट जो है अपना जो लाइफ साइकिल जो है यहाँ पर पूरा करते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि रामसर साइट से मान्यता मिलने के बाद आसन में पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही दुनिया भर के पक्षी प्रेमी पक्षियों पर रिसर्च करने भी यहां का रुख करेंगे।